नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यू में। तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब से कब्जा किया है तब से हर दिन तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं और शरिया कानून के तहत किस तरह से लोगों को सजा दी जाती है ये भी जग जाहिर है। लेकिन हमारे भारत में कानून भले ही क्यों ना सख्त हो फिर भी कई जगह पर लोगों को आज भी तालिबानी सजा दी जाती है और फिर भी हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेकर और उग्र होकर किसी मामले के आरोपी की पीट पीट कर हत्या करना बेहद ही चिंताजनक है। देश की सबसे बड़ी अदालत भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बेहद ही सख्त है। तहसीन पूनावाला केस में भी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक गाइडलाइन तक जारी कर दी थी और ऐसे में इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन का अधिकार मिला हुआ है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन को छीना नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कानून के दायरे में लाकर की सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है तो उसको सिर्फ कोर्ट ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषी ठहरा सकता है और सजा दे सकता है। अदालत के सिवा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या समूह को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा देने का अधिकार नहीं है और अगर कोई व्यक्ति समूह या संगठन ऐसा करता है तो वो अपराध है जिसके लिए उसको सजा भुगतनी भी होगी। कई बार देखा जाता है कि किसी मामले का आरोपी बाइज्जत बरी भी हो जाता है और ऐसे में किसी आरोपी को अपराधी कहना कानून की दृष्टि से अनुचित है और न्याय की अवधारणा है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया दिया जाता है तब तक उसको निर्दोष ही समझा जाएगा। दरअसल आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश से आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। वीडियो हो सकता है आपने देख लिया हो लेकिन आज इस वीडियो से जुड़े हर पहलू का चक्रव्यूह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए फिर आपको मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार 22 अगस्त का बताया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने चुन्नी बेचने वाले एक शख्स की पूरी तरह से पिटाई कर दी। वीडियो में जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसकी पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। वो यूपी के हरदोई जिले का निवासी है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस से एफआईआर दर्ज कर ली है और इस 2 मिनट के वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि पीला कुर्ता पहना एक शख्स पीड़ित के बैग से चूड़ियां निकाल रहा है। पीछे से एक दूसरा व्यक्ति पीड़ित को थप्पड़ मार रहा है। ये शख्स पीड़ित से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके बाद चूड़ी बेचने वाले युवक को पीटने के लिए लोगों को उकसाया जाता है। घटना के समय आसपास खड़े लोगों से कहा जाता है कि कम से कम एक एक को सब मारो। मारने के लिए बुलाने वाला शख्स कह रहा है कि कम से कम उस चक्कर में ही मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। बता दें कि इंदौर के बम्बई बाजार इलाके में 14 अगस्त को दो गुटों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें 10 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आरोपियों को उकसाने पर भीड़ में से कुछ लोग सामने आते हैं और तस्लीम को पूरी तरह से पीटने लगते हैं। पीड़ित को गालियां भी दी जाती हैं और इस बीच पीले कुर्ते में मौजूद शख्स लोगों को तस्लीम की जेब चेक करने को भी कहता है। वो उसे मारने के साथ उसकी जेब में हाथ डालकर मौजूद चीजें भी निकाल लेते हैं। इस दौरान ये कहते भी सुना जा सकता है कि ऐसा मत मारो कि निशान पड़े। पीटने वाले का आरोप था कि चूड़ी बेचने वाला महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने पर इंदौर के बाणगंगा थाने की पुलिस को रात 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद अफसरों ने जांच शुरू कर दी और देर रात 12:30 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। कहा गया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी
और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे उसको लेकर के इसमें जो है FIR की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में FIR हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखे और किसी के बहकावे में ना आए। देखिए क्राउड जो था, क्राउड कार्रवाई की मांग कर रहा था और ऑलरेडी जो है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन एक लोगों को भावना रहती है कि कहीं इनजस्टिस ना हो उनके साथ में। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। जो सही कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, वो जरूर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद कुछ लोग देर रात युवक को लेकर सेंट्रल कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित की पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। एहतियात के तौर पर मौके पर 8 थानों के बल को भी तैनात कर दिया। देर रात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, लूट, धमकाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित तस्लीम ने FIR में लिखवाया है कि जब वो इलाके में चूड़ी बेच रहा था तो 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा। तस्लीम के मुताबिक नाम बताने पर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई और उसके 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। साथ ही तकरीबन 25,000 रुपए की चूड़ियां भी लूट ली गई। वही पीड़ित शख्स के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद वो गोविंद कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। तस्लीम नाम के युवक का कहना है कि वो चूड़ियां बेच रहा था और पहले लोगों ने उससे उसकी जाति पूछी। जब उसने अपनी जाति बताई तो लोगों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये रिपोर्ट देखकर करीब करीब अब आपको मामला जो है वो समझ आ गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। जी हाँ, अब पुलिस ने फरियादी को ही आरोपी बना दिया है। दरअसल पुलिस ने पीड़ित को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। उसके खिलाफ फर्जी पहचान पत्र रखने और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इंदौर के बाण गंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में चूड़ी बेचने के लिए मुस्लिम युवक नाम बदल कर गया था और 6ठी क्लास की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। छात्रा ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे चूड़ी बेचने एक लड़का वहां पर पहुंचा था, जिसने अपना नाम गोल बताया था और वो घर पर अपनी माँ के साथ थी। उसने अपनी पहचान के लिए जला हुआ वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया था। आरोप है कि चूड़ी लेने के बाद माँ जब पैसे लेने के लिए अंदर गई तो युवक ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वो चिल्लाई तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इस पर वो भागने लगा। उसकी थैली से 2 और आधार कार्ड मिले, जबकि एक में उसका नाम असलम था और दूसरे पर तस्लीम लिखा हुआ था। उसके पास एक और अज्जला वोटर आईडी कार्ड भी मिला, जिस पर उसके पिता का नाम मोहन सिंह लिखा हुआ था। इससे पहले पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले युवक से मारपीट के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में ग्वालियर से तीसरा मुख्य आरोपी विवेक पतादे भागने वाला था, उसको भी पकड़ लिया है और ऐसे में वो दिल्ली भागने की फिराक में था। राकेश कुमार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास तीनों ही युवक को पीटने के मामले में गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों ही युवक इस पूरी घटना में शामिल थे। तो चलिए आपको ये दोबारा से पहले ये पूरा वीडियो दिखा देते हैं। क्या बनाएगा तू? मसलना है, मसले, अब देखो।
हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत भी काफी गर्मा गई है। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर पे चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा और पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दिया। तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुल के और अपराधियों के खिलाफ नहीं पता दे बहाने बना रखे हैं और चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई भी फर्क नहीं रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ने कहा है कि वो चूड़ी बेचने का काम जिस मोहल्ले में कर रहा था उसने हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो दूसरे समुदाय से था और इसी तरह से उसके दो आधार कार्ड भी मिले हैं। लेकिन गृह मंत्री ने ये नहीं बताया कि इससे भी किसी को पिटाई करने का हक नहीं मिलता। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आरोपी जिस तरह से युवक को पीट रहे थे, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना दो दो तीन तीन पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया। दरअसल रविवार की देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में मौजूद शख्स का नाम तस्लीम है और वो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाला है। वो चूड़ियां बेचने के लिए इंदौर भी आता जाता रहता है। ऐसे में इंदौर पुलिस ने रविवार देर रात इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि वो व्यक्ति हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेचा करता था। मंत्री के मुताबिक चूड़ी बेचने वाले के पास से दो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक एक व्यक्ति तस्लीम का बैग चेक कर रहा है और चूड़ियों को बाहर निकाल रहा है और कह रहा है कि बहन बेटियों आओ और सब ले जाओ। उसी वीडियो में तस्लीम को ये कहते हुए धमकी भी दी जा रही है कि आज के बाद किसी भी हिंदू क्षेत्र में मत दिख जाना। इस दौरान कई लोग तस्लीम को मारते हुए भी देखे जा सकते हैं। एक आवाज आती है कि मुसलमान है और वीडियो में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में चलिए घटना के बाद का तस्लीम का एक वीडियो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं तस्लीम ने क्या कुछ कहा। थाने वाले गए, थाने वाले के ठीक है, लेकिन जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन अपनी जान बचा माल मिलने वाले तुम्हारा माल जो सारा बटवा दिया है, पैसा जो हमारा खोसा था पैसे भी निकाले, वीडियो में पैसे भी निकाल दिया, पैसे अंदर निकालने तीन चार लोग चिमट गए,
4500-4800 रुपए इसी थे कुछ, तो अंदर चिमट के फिर निकाल लिए हमारे, तो वो पैसे हमारे फिर 1000 रुपये फाट गए पुलिस वाले जी उनसे। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी हरदोई के। यूपी हरदोई के, क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम भाई, तो अभी तुम थाने गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने? थाने गए थे लेकिन पुलिस वाले थे दरोगा था, लेकिन दरोगे ने पकड़ा जानते, लेकिन पुलिस वाला दरोगा था, लेकिन दरोगा के साथ पुलिस वाले गए थे हमारा नंबर ले जाओ कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अकेले गए थे थाने? हमने कहा किससे सपोर्ट दे दो लोग से भाई, हमने कहा माल दिला दो, हमारा घर दिला दो, वन वापस जाओगे तो और मार डालेंगे तुम्हें, तो तुम यहाँ से अब निकल जाओ। पुलिस वाले ही खुद बोल रहे थे तुम वो ब्रिज है बगल में बाणगंगा के पास, गोविंदपुरा में गोविंदपुरा में तो वहीं पे गए, तो पुलिस वाले साथ में गए, वहाँ दबाई लिया, एक आदमी ने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग खुद ही मार के ले आए, यहाँ पे माल घोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया, उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा जा रहा है, ये भी बोल रहा था कि 9000 का बदला ले रहा है। हम हमारे मुंह से वो बोला कि तुम बोलो मुसलमान हो, तो पहले नाम हमने गलत ये वीडियो उनके ऊपर वाले उठा रहे थे। हाँ उधर वाला कोई था, तुम अक्सर नहीं जाते उनके माल में, पहली बार उधर जाते अक्सर है जाते, पूरे वो नी तो अब हर पहलू इस खबर से जुड़ा हुआ हमने आपको बता दिया है और दिखा भी दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस का भी एक अजीब रवैया देखने को मिल रहा है। देखिए पुलिस पहले तो ये कहती रही कि इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं मिली है और इसीलिए मामला भी नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने अपनी ही एफआईआर में लिखा है कि तस्लीम अली जब गोविंद नगर थाना बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ियां बेचने गए थे तो 5-6 लोग आए और उसका नाम पूछा और जब उन्होंने अपना नाम बताया तो लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। उन लोगों ने तस्लीम के पास मौजूदा 10,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन भी उससे छीन लिया था, इसके साथ ही उसका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी ले लिए थे, साथ ही लगभग 25,000 रुपए का माल भी जिसमें चूड़ियां शामिल थी वो लूट लिया गया। ऐसे में एफआईआर के मुताबिक तस्लीम को मजहब के आधार पर गालियां भी दी गई और उन्हें मारा पीटा भी गया। वही इंदौर के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि वायरल वीडियो मामले में एफआईआर की जा चुकी है और इस मामले में 14 धाराएं आईपीसी की भी लगाई गई है। इसमें एफआईआर अज्ञात पर की थी और पुलिस के पास वीडियो था जिसे देखकर पुलिस ने 3 मुख्य अभियुक्तों की पहचान भी की है, इन लोगों ने बाकी को उकसाया था। हालांकि पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि चूड़ी विक्रेता ने रविवार देर रात सेंट्रल कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गोविंद नगर में भीड़ में शामिल 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया है कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और उससे 10,000 रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपए भी चूड़ियों सहित छीन लिए थे। तो ऐसे में ये थी मध्य प्रदेश से आई एक वीडियो की कहानी और तस्लीम की कहानी, हर खबर का पहलू हमने आपको बताया। तो अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और वीडियो अजमेर का दिखाते हैं, तो चलिए अब आपको अजमेर से जो वायरल वीडियो हो रहा है वो वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। दरअसल अब राजस्थान के अजमेर से एक और वीडियो सामने आ रहा है और इसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 20 अगस्त का है और इसमें 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया था। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर आपको विस्तार से पूरी खबर समझाएंगे। Yeah.
अब क्या बोल रहा है समझा, अब तुम कहा उसको तो ये तो समझा क्या बोल रहा है, अब तुमको ऐसी क्या बज रहा है, ABCD तेरी मेरी प्रेम कहानी कपाली राजा की राम की हनुमान की क्या बज रहा है सर, क्या बज रहा है इसमें ये पूछ रहा हूँ, गलत जवाब दे रहा है, बच क्या रहा है, मैं समझा तो सही क्या बज रहा है, ये तो समझा हमें क्या बज रहा है, अरे उसमें यही बज रहा है, तू तेरे तरफ जा रहा भाई, तू यूपी से यहाँ क्या लेना है इस गली मोहल्ले में, कोई मजा आ रहा है ले चल के देख, एक किलोमीटर तक कोई मजा आ रहा है, पता क्या मजा क्या मजा है, तेरे को किसने भेजा है मजार पर आते मजार पर आता है भाई, दरगाह से रास्ता सीधा वहाँ बस में नहीं जाता, तेरे गांव में नहीं जाता, यहाँ गाड़ी के लिए रुका, इसके साथ तीन चार औरतें और बचा, दोबारा आ जाए इसका वीडियो देगा कल का, फिर जारा लगाते और सोने की चैन अंगूठी सब ले जाते, अरे ये भाई गलत बात है आप कह रहे हैं, करी बात नहीं, हम लोग इसका वीडियो भी देखा मैंने, तेरा वीडियो आया है, अरे भाई तो तू यहाँ कितने दिन, आप कितने दिन मांगेगा, अब हम लोग जिंदगी निकल जाएगी तेरी, एक दो दिन मांग अपना चले जाएंगे मेरे भाई, तेरे भाई मांगना कल फिर आस पास अपना करके चले, पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी, अरे भाई पाकिस्तान यहाँ नहीं मिलेगी, दुनियादारी से मतलब यहाँ से रवाना, उसके उसके जमा कराओ क्या, जमा करो उस पर, जमा कराओ है ना, तेरे साथ वालों को लड़कियों को भी बुला, बुला फोन कर तेरे पास, देखो हाथ कैसे जोड़ा, फकीर है तू, कितने पैसे तेरे जेब में निकाल, पैसे निकालो उसकी जेब चेक करो, पैसे निकाल सारे हाथ में लगा, जेब में से निकाल सारे पैसे निकाल, निकाल सब निकाल ले तेरे, पैसे निकाल, भाग गया तू डर था, पैसे निकाल सारे भाई गिरा तो ये वीडियो आपने देखा है, और इस पूरे मामले में अब पुलिस के मुताबिक घटना ये रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की है, दरअसल सर्कल ऑफिसर मुकेश कुमार सोनी ने बताया है कि ये वीडियो 20 अगस्त का है जो अब वायरल हो रहा है, और जिसके बाद हमने इस मामले की जांच भी की, और जांच में सामने आया कि पीड़ित युवक राजस्थान का रहने वाला नहीं था, वो किसी और राज्य से यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक को कई लोग घेर कर खड़े हुए हैं, उसमें से एक उससे पाकिस्तान जाने के लिए भी कह रहा है, मुकेश कुमार सोनी ने बताया कि घटना के बाद 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, जिन्हें अगले ही दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया था, जहां से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी, उन्होंने कहा कि पीड़ित का पता अभी तक नहीं लग पाया है, जिस वजह से FIR भी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि पूरे देश से अजमेर शरीफ दरगाह पर लोग पहुंचते हैं, तो सूत्रों से पता चला है कि युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो सकता है, ऐसे में कांस्टेबल गजेंद्र ने बताया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनके नाम ललित शर्मा, सुरेंद्र तेजपाल, रोहित शर्मा और शैलेंद्र थे, और पुलिस का कहना है कि पांचों के खिलाफ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, वही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वीडियो में पीड़ित बता रहा है कि वो यूपी का रहने वाला है और वो भीख मांग कर अपना जीवन किसी तरह से यापन करता है, और इसके बाद ही आरोपी उसे धमका रहे थे, साथ ही 10 किलोमीटर की रेंज में नजर नहीं आने के लिए भी उसे कह रहे थे, ललित और उसके साथी कह रहे हैं कि यूपी से आए हो तो यूपी ही रवाना हो जाओ, तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, एक अजमेर से थी एक मध्य प्रदेश से थी, जहां पर भीड़ ने इस युवक को और मध्य प्रदेश में तस्लीम को किस तरह से पीटा, तो अब आपने ये दोनों ही वीडियो देखी, और इन दोनों वीडियो को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, पहले इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को पीटा गया और अजमेर में युवक को पीटा गया, ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसने कहा, क्यों आखिर भीड़ एक शख्स पर हावी हो जाती है, क्यों आखिर इस तरह से धर्म के नाम पर अधर्म किया जाता है, सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ चार के चक्री में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।